हाई एवरी वन गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी नीट गाइज कैसे है सब बच्चे हाई एवरीवान यस हाई गाइज हाय हाउ यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गाइज एक होमवर्क दिया था कल कैन आई गेट अ चांस टू चेक यूर दिस होमवर्क क्या आपका होमवर्क देख लिया जाए क्या होमवर्क दिया था बेटा जो कल आए होंगे उनको पता होगा कि वॉट इज द होमवर्क है ना बाकी जो बेटा कल नहीं आए थे उनको एक तो आज का समझ नहीं आएगा दूसरी चीज़ बेटा होमवर्क का भी नहीं पता होगा तो so, मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बच कौन सा बच्चा कल आया था कौन सा बच्चा कल नहीं आया था सो आई गेव यू वन होमवर्क येसटेडे वी स्टार्टेड विद बायो मॉलिक्यूल्स वी कम्प्लीटेड द इंट्रोडक्शन एज वेल एज वी ऑल्सो डेड द स्टार्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा मैंने आपको करा दिया था मोनोसेकराइड्स मोनोसेकेराइड्स कितने टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ ग्लूकोज लुक्स लाइक एंड हाउ यू नो ग्लूकोज चेन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इन टू रिंक फॉर्म ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी है ना देन मैंने आपको ग्लूकोज और रिबोज का स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखाया था ग्लूकोज और रिबोज का स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखाया था कर लिया सबने Yes, एवरी वन हैज़ डन कोई दिक्कत तो नहीं आई उसमें कोई भी प्रॉब्लम बेटा तो नहीं आई आपको उसमें यस yes. क्या आप ये कन्वर्जन कर पाए लेट मी जस्ट कम बैक टू यस्टरडेज फाइल कल मैंने आपके साथ फ़ाइल भी शेयर कर दी थी क्या आप ये वाली कन्वर्जन खुद से कर पाए दिस वन लेट मी जस्ट शो यू येस दिस कन्वर्जन येस टू डे वी डिस्कस्ड अबाउट द चेन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज दिस इज द चेन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज एंड देन वी डिस्कस किस तरीके से एक चेन फॉर्म से आपका इंटरनल हेमीएसिटल बनता है एंड देन इंटरनल हेमी एसिटल से हमने कल क्या बना लिया था रिंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज भी बना लिया था यस yes? क्लियर है हाँ जी सबका हो गया था हाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी याद करने को बोला था बिल्कुल ठीक है सान्या एंड मैंने आपको एनसीआर के पेज नंबर लिखवाए थे कि कौन कौन से पेज नंबर को आपको रीड करना है ठीक है ये मैंने आपको दिया था होमवर्क हमने कल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर लिया था वी ऑल्सो डेड द स्ट्रक्चर ऑफ रिबोज विच इज़ अ पेंटोज शुगर बिल्कुल सेम तरीके से इट इज़ जस्ट फाइव कार्बन शुगर यही अंतर है बाकी उसी तरीके से इसका इंटरनल हेमियासीटल बनेगा और क्या बनेगी हमारे पास रिंग बनेगी तो आज बेटा हमने उससे आगे स्टार्ट करना है वी वर टू स्टार्ट विद द टेस्ट हम एक टेस्ट से स्टार्ट करने वाले थे कि क्या अगर आपको सैंपल्स दिए जाए कैन यू रिकोगनाइज वेदर दिस इज़ मोनोसेक्राइड और डाइसेकराइड या फिर ये क्या है क्या आप पता लगा सकते हैं कि दिस इज़ अ मोनोसेक्राइड सैंपल और नॉट ऐसा कौन सा टेस्ट है सो फेलिंग्स रिएजेंट या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट आज हमने डिस्कस करना था तो जो बच्चे मैम को नहीं जानते माई नेम इज सी पाहजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अन अकेडमी नीट बेटा एवरी डे आप मेरे सेशन देख सकते हो 3 पी एम साथ ही में मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करके रखो एट द रेट सीप पाहूजा सीप डॉट पाहजा आप मुझे हर प्लेटफॉर्म पे इसी नाम से ढूंढ सकते हो सीप पाजा sip पाजा biology ये सब डालेंगे तो आपको मैं हंड्रेड परसेंट मिल जाऊंगी एंड मेरे साथ साथ बेटा पूरी मेधावी की टीम आपके लिए काम कर रही है सुबह आठ बजे से आपके सेशन स्टार्ट होते हैं तो अगर आप फ्रेश जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं बेटा हमारे साथ यही मेधावी नाम का बैच सिमिलर बैच प्लस पे भी चल रहा है आइकॉनिक पे भी चल रहा है जहां पर आपकी लाइव क्लासेस होती है एजुकेटर्स यानी कि हमारे साथ आप बात कर सकते हो टेस्ट सीरीज है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है ठीक है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से एक टीचर आपको पढ़ाता है किस तरीके से बेटा सेशन लिए जाते हैं आपके ठीक है लाइव सेशन वन टू तो वन सेशन दे आर ऑल्सो देर सो यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस में भी जो आपके पास कोड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइव अगर आप चाहते हो मैम की गाइडेंस के अंदर आना मैम की मेंटोरशिप के अंदर आना सो दिस इज गोइंग टू द कोड फॉर यू लाइफ ठीक है प्लस में भी हूँ मैं बेटा आइकॉनिक में भी हूँ और अभी बेटा बेस्ट टाइम है क्योंकि मेधावी जस्ट स्टार्ट हुआ है अगर आप इनिशियली ही इसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे और बैकलॉग नहीं बचेगा बेटा अब छह महीने का टाइम है छ महीने जो सोचना है ना टाइमली सोचो अगर लेना है तो आज ही लो नहीं लेना तो बेटा फिर बिल्कुल यहां पर शांति से बैठकर यूट्यूब से तैयारी कीजिए ठीक है तो कोड आपके लिए आइकॉनिक के लिए भी क्या है दैट इज सीप लाइफ आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू गाइज टू वेस्ट योर टाइम टाइम नहीं वेस्ट करना लेने तो लीजिए सब्सक्रिप्शन से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए बस अंतर सिर्फ इतना आता है देखो टीचर सब सेम ही बढ़ाते हैं अंतर सिर्फ इतना आता है कि वहाँ पर आपके पास प्रॉपर पी मिलती हैं प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं एक रेगुलरिटी बनती है टीचर रोज़ आता है आप भी रोज आते हो वो होता है ना कि जिम ज्वाइन करना है जिम ज्वाइन अगर ऐसे नीचे फ्री में चल रहा हो योगा गार्डन में तो हम नहीं जाएंगे लेकिन हाँ जिम वाले को ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट दे, दे देंगे तो जरूर जाएंगे है ना तो अल्टीमेटली देयर हैज टू बी समथिंग जिससे आप अपनी बॉडी पे काम करें अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं कि आप रेगुलर यूट्यूब पे आकर समझ सकते हैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद से बेटा रीच आउट करके डाउट्स अगर हो पाते हैं तो करेंगे तो बेटा आप यहाँ से करिए अगर आपको लगता है कि यार वो डेडिकेशन नहीं है मुझे हर वक्त ऊपर एक कोई ना कोई चाहिए जो मुझे पोक करता रहे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले जो हर बच्चे को चाहिए होता है जो हर बच्चे को चाहिए होता है देन बेटा सब्सक्रिप्शन इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं सो so स्टार्ट करें बेटा बायो मॉलिक्यूल्स का पार्ट टू तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट से करने थे कंप्लीट करने थे सो वी वर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकराइड्स मोनोसेकराइड में मैंने आपको कल स्ट्रक्चर करा दिया था ग्लूकोज का है ना हमने किस किस का स्ट्रक्चर कर लिया था बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर लिया था हमने साथ ही में किसका स्ट्रक्चर कर लिया था रिबोज का स्ट्रक्चर कर लिया था क्या हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कर लिया था फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर कर लिया था बेटा फ्रक्टोस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था लेट बी जस्ट कम बैक टू दिस पेज ओनली कल वाले पेज पे वापस आ रही हूँ जहां फ्रक्टोस लिखा था हमने सो वी रोट अबाउट फ्रक्टोस यही लिखा था इट इज अक्सोज कार्बन वाली शुगर है एंड बेटा यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा आपका देखो कार्बन छ है तो जनरल फार्मूलाइज सी एन एच टू एन ओ एन ठीक है तो उसी हिसाब से तो फार्मूला तो कैसा बनता है ग्लूकोज जैसा ही बनता है बिल्कुल सेम फार्मूला बट क्या ये ग्लूकोज की तरह दिखाई देती है नहीं दे सकती क्यों बिकॉज इट इज नॉट एन एल्डोज लाइक ग्लूकोज इट इज राधर अ कीटोज ये कीटोज है इसके पास कीटोन ग्रुप है है ना केटोन ग्रुप है तो बेटा इसका चेन फॉर्म भी आप डिस्कस अभी देख लेते हैं एंड इसके साथ बेटा आप मुझे बताएंगे कि क्या ये पायरानोज रिंग है या फिर एक फ्यूरानोज रिंग है तो फ्रक्टोज की बेटा बात करें दिस इज हाउ फ्रक्टोज लुक्स लाइक सीधा बेटा रिंग फॉर्म बनाएंगे क्योंकि अब आपको चेन से रिंग बनाना आ गया है इतना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा पेपर में बायो के पेपर में कोई नहीं पूछेगा इसका चेन से रिंग बताइए वो जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए चीज आपको सिखा दी थी ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी कार्बन नंबर वन वेयर आर सी एच टू ओ एच देन यू आर गोइंग टू हैव ओ एच एंड एच यू आर गोइंग टू हैव एच एंड ओ एच एंड अगेन यू आर गोइंग टू हैव सी एच टू ओ एच एंड एच दिस इज हाउ अफ्रक्टोस लुक्स लाइक ठीक है या फिर बताइए हाँ खुद से बताइए यार बहुत सिंपल है कितनी पोजिशन है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पोजिशन है इन विच वन पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई ओ रेस्ट ऑफ द पोजिशन दे आर ऑक्यूपाइड बाई सी सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूरा नोज रिंग हाँ बच्चे बोल रहे हैं मैम छह कार्बन है तो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए था बेटा छह कार्बन है तो ध्यान दो ध्यान दो बेटा इसका दो कार्बन रिंग के बाहर हैं एक ये कार्बन भी रिंग के बाहर है और एक ये कार्बन भी रिंग के बाहर है दो कार्बन रिंग के बाहर क्यों करने पड़े क्योंकि बेटा फ्यूरानोज में सेकंड पोजीशन पे क्या आता है आपका कीटोन ग्रुप देखो एल्डिहाइड तो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है दैट एल्डिहाइड कैन कम एट C1 बट कैन कीटोन कम एट C1 बताइए कैन कीटोन कम एट C1 बताइए बताइए कैन कीटोन कम एट C1 यस और नो में बताइए क्या कीटोन बेटा सी वन पे आ सकता है आप ये देखिए फ्रक्टोस का ऐसा स्ट्रक्चर देखेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है आप सेकेंड कार्बन पे कीटोन लगा सकते हो फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगा सकते हो. तो यार फर्स्ट ये वाला दिख रहा है यस yes. ये वाला बेटा जी आप अगर फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड लास्ट कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी तो फर्स्ट की वैलेंसी कैसे पूरी की सी एच टू ओ एच लास्ट की भी कैसे कर रहे हो सी एच टू ओ एच इधर आ जाएगा ओ एच एंड एच इधर आ जाएगा एच एंड एच एच एंड ओ एच नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स दिस इज हाउ फ्रक्टोस इज गोइंग टू लुक लाइक इस तरीके से आपका फ्रक्टोस दिखाई देगा वेयर सी टू इज गोइंग टू हैव द फंक्शनल ग्रुप द कीटोन ग्रुप नॉट द सी वन इसी वजह से इसमें फ्यूरानोज़ रिंग है और दो कार्बन रिंग के बाहर है ये भी रिंग के बाहर है एंड ये भी रिंग के बाहर है क्या ये चीज समझ आई ये yes, अब ये चीज सबको समझ आई वाई टू कार्बन आर आउट साइड द रिंग नॉट वन ठीक है बिकॉज बेटा कीटोन कैन कम एट ओनली सेकेंड कार्बन नॉट द फर्स्ट कार्बन एक बार बेटा बता दो है ना यस हांजी ये नेहांशु दिस इज अ डिटेल्ड कोर्स चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके गाइस सो फ्रक्टोज हमने डिस्कस कर लिया था आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट रिलेटेड टू दीज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एंड रिबोज हाँ जी टेस्ट का मैंने कल नाम लिखवा दिया था आपको टेस्ट क्या है अपना बेटा टेस्ट टेस्टिंग फॉर इज विथ फेलिंग्स रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट ठीक है यस yes? हां जी तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बेटा टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इसमें मोनोसेकेराइड है या फिर नहीं है पहले बेसिक फंडा समझ लेना फेलिंग्स रिएजेंट के साथ आप अपना सैंपल हीट करोगे अब फेलिंग्स रिएजेंट में क्या प्रेजेंट है कॉपर प्रेजेंट है कॉपर किस कलर का होता है ब्लू कलर का होता है सी टू पॉजिटिव कौन से कलर का होता है ब्लू कलर का होता है अगर बेटा आपके सैंपल के अंदर फ्री फंक्शनल ग्रुप है तो ये इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये नेगेटिव टेस्ट देगा ठीक है फ्री फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्या मान लीजिए ये आपका ग्लूकोज है ठीक है ये आपका ग्लूकोज है ऐसा ही दिखता है ना यहाँ पर क्या है एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच देख लीजिए दैट इज एच ओ एच एंड यहाँ पर क्या है सी एच टू ओ एच एंड एच फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे था फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड किस कार्बन पे है बेटा जी एल्डिहाइड प्रेजेंट है कार्बन नंबर वन पे कार्बन नंबर वन फ्री है फ्री होने का मतलब है कार्बन नंबर इसको रिएजेंट के साथ हीट तो करेंगे तो फेलिंग्स रिएजेंट में बेटा प्रेजेंट है सी पॉजिटिव जिसका कलर क्या है ब्लू जब बेटा आपने इसको हीट किया विध सैंपल सैंपल ये आपके सामने है तो बेटा ये जो फ्री फंक्शनल ग्रुप है ना दिस फ्री फंक्शनल ग्रुप इट इज गोइंग टू रिड्यूस दिस सी टू पॉजिटिव इन टू सी यू पॉजिटिव इन टू सी यू पॉजिटिव में इसको क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा एंड दैट कलर इज नॉट ब्लू दैट कलर इज रेड कलर क्या हुआ यार ये लैक क्यों आ रहा है जस्ट अ सेकेंड अब दिख रहा यस अब बताइए नाउ इज इट फाइन हो जाता है यार बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं कितना नज़दीक से जूम में देख रहे हो अब तो यस अब दिख रहा है अब तो ठीक है नाउ वेल well. थोड़ा सा पीछे हो गया थोड़ा सा पीछे हो गया बट कोई बात नहीं हाँ जी नो लैग चलो ओके आ जाइए तो मैंने अभी कुछ खास नहीं लिखा था मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि फ्री फंक्शनल ग्रुप होने से फ्री फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा सी यू टू पॉजिटिव को रिड्यूस करके क्या कर देगा सी यू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा इसका कलर था बेटा जी ब्लू इसका कलर था रेड अगर आपको रेड मिल जाए दैट मीन्स वहाँ मोनोसेकेराइट है क्योंकि हर मोनोसेकेराइट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर टेस्ट क्या टेस्ट कर रहा है फ्री फंक्शनल ग्रुप फ्री फंक्शनल ग्रुप जिसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप है दैट इज गोइंग टू चेंज द कलर इन फ्रॉम ब्लू टू रेड जिसके पास फ्री एल डी हाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होगा वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा दिस इज कॉल्ड एज फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट ठीक है दिस इज कॉल्ड एज फेलिंग्स टेस्ट दैट मीन्स जितनी भी शुगर्स ये काम कर पा रही हैं जितनी भी शुगर ब्लू कलर को रेड कर में कन्वर्ट कर पा रही हैं क्या उनको बोल सकते हैं बेटा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर कैन बी कॉल दम एज रिड्यूसिंग शुगर ये और नो वाई क्यों बेटा क्योंकि यहां पर क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है ये शुगर सी यू टू पॉजिटिव को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर रही है सी यू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई कैन राइट वन राइट लाइन दैट ऑल मोनोसेकर दे आर रिड्यूसिंग शुगर येस गाइज ऑल मोनोसेकर दे आर रिड्यूसिंग शुगर सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा रिड्यूसिंग ही है क्योंकि सबके पास सारे मोनोसेकर के पास देयर इज गोइंग टू बी फ्री एल्टीहाइड ग्रुप होगा ही होगा क्योंकि बेटा वो मोनो है वो किसी के साथ बॉन्ड बना ही नहीं रहा तो ये वाला पोर्शन तो फ्री होगा है ना ये वाला पोर्सन तो क्या होगा फ्री होगा ये सो इट इज प्रूवन दैट ऑल मोनोसेकर दे आर रिड्यूसिंग शुगर ठीक है हाँ जी ठीक है, यस चलिए आगे आ जाइए सो ये बात हो गई आपके मोनो की मोनोसेकर का हमने टेस्ट भी कर लिया इसके आगे बेटा करते हैं हम टॉकिंग अबाउट ओलिगोसेकराइड्स ऑलीगोसेकर ओलिगो का क्या मतलब होता है ओलिगो का मतलब होता है फ्यू सैकराइड का क्या मतलब होता है शुगर वेन फ्यू शुगर्स विल ज्वाइन टुगेदर

स एक से ज्यादा दो भी हो तीन भी हो चार भी हो अगर इतनी शुगर आपस में आकर जुड़ती हैं कंडेंसेशन करती हैं वाटर के लॉस के साथ तो वो क्या बन जाएगा आपका ओलिगोसैक्राइड बन जाएगा यस yes, गाइज क्या हो गया लैग की वजह से पता नहीं चला क्या किया दोबारा देख लो दोबारा देख लो नो इश्यूज नो इश्यूज गाइस रिलैक्स हो जाएगा करो यार ऐसे हाइपर मत हुआ करो कि मैम लैग हो गया था लैग हो गया था चलो दोबारा देख लो ठीक है दोबारा देख लो यस yes, जी ओम एक तो तुम लोग स्पैम बहुत ही ज्यादा करते हो बहुत ज्यादा है ना ठीक है चलो फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट के बारे में मैंने बताया था कि ये जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है इसके पास सी यू टू पॉजिटिव प्रेजेंट अब समझ लेना ए के बारे में अब बात नहीं करना जिसका कलर क्या है ब्लू कलर है अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी यू पॉजिटिव में रेड कलर में इसको रिड्यूस करने के लिए मुझे एक फ्री फंक्शनल ग्रुप चाहिए होता है ग्लूकोज में या या फिर और मोनोसेकर में फ्री फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जहां एल्डिहाइड ग्रुप है यहां अगर ध्यान दे तो कार्बन नंबर वन पे एल्डिहाइड ग्रुप था तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है नहीं बना रहा है ना किसी से बॉन्ड तो बेटा जब आप इसको इसके साथ मिक्स करोगे हीट करोगे सैंपल के साथ तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है जहां जहां पर आपको फ्री फंक्शनल ग्रुप मिलता है वो इस कलर को चेंज कर देगी वो रिड्यूसिंग शुगर है तो यार सारी मोनोसेकेराइड में फ्री फंक्शनल ग्रुप है ना तो सबके सब क्या हुई रिड्यूसिंग हुई क्या बताइए yes, अब बताइए आर यू ऑन द सेम पेज विद मी और नॉट यस मैंने कहीं एरो लगाया ही नहीं कह रहे एरो के नीचे क्या लिखा विद सैंपल लिखा है चलो हाँ जी चलिए ओलिगोसेकराइड्स की बात करते हैं ऑलिगोसेकराइड्स दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ ध्यान दे रहे हो मैंने कंडेंस लिखा है कंडेंस का क्या मतलब होता है व्हेन वी रिमूव वाटर जब हम यहां से क्या करते हैं वाटर को रिमूव कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं तो सबसे पहले बेटा करते हैं ऑलिगोसेकराइड्स में स्टार्टिंग विद डाई सेकराइड डाई सेकराइड डाई सेक्राइड में क्या है टू शुगर मॉलिक्यूल

ठीक है उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे बॉन्ड बना दिया ठीक कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पता है आपको ठीक है एच ओ एच एल्फा है ना ओ एच नीचे लगाएंगे एच ओ एच ओ एच एच ठीक है एच ओ एच सी एच टू ओ एच एंड एच हाँ जी इधर भी एच एंड ओ एच इधर भी क्या आ जाएगा एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच एंड एच ठीक है चलिए एक अल्फा ग्लूकोज ये हो गया एक अल्फा ग्लूकोज ये हो गया दोनों ने आपस में क्या बनाना है बॉन्ड बनाना है अब इनका कौन सा वाला कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएगा जरा कार्बन नंबर ध्यान दीजिए दिस इज कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर को इन दो कार्बन पे ध्यान दो बेटा दे बोथ आर एक्चुअली गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड यहां पर किसका लॉस हो जाएगा देअर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ वन वॉटर मॉलिक्यूल लॉस कर दो एच टू ओ का माइनस कर दो ठीक है जब आपने यहां पर एच टू ओ माइनस किया तो क्या बच गया क्या बच गया बेटा मैं बस इतना ही बनाऊंगी ठीक है यहां पर आपका बच गया H इधर बच गया बेटा ओ एंड यहां से ड्रॉ कर लो ठीक है तो दिस इज अगेन कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर फोर तो ये जो बॉन्ड बना है आपके सामने दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हां जी दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एल्फा क्यों बोला है क्योंकि बेटा दोनों की दोनों जो हमने मोनोमर लिए थे वो क्या है एल्फा है one four क्यों बोला? क्योंकि बॉन्ड बन रहा है और कार्बन में दिस इज कॉल्ड एज एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और जब दो ग्लूकोज जुड़ते हैं एक्चुअली में क्या बनाते हैं वी आर एक्चुअली फॉर्मिंग मोल्टोज हम क्या बना रहे हैं मोल्टोज बाय कंबाइनिंग टू अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ये बताइए हां जी इज दिस क्लियर Is this clear कि कैसे मैंने एक डायसेकराइड बनाया बाई लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल ठीक है डायसेकेराइड बन गया बॉन्डिंग का क्या नाम है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड अब आप सोच के बताइए सोच के बताइए बेटा ये रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी ये गाइज कम ऑन टेल मी विल दिस कंपाउंड विल दिस स्मॉल टोज भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने आपको पीछे सिखाया था वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है इज इट गोइंग टू बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जॉन दॉन एक तो बच्चे का नाम बड़ा अजीब जॉन दी डॉन बेटा पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे जुड़ जाना मैम के साथ ठीक है क्लास खत्म होने के बाद ही मिलेगा पहले तो मैं कैसे दे दूंगी पहले लिख के दे दू तुम्हें हाँ जी विल इट गोइंग टू बी रिड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग वाह वाह शेरो गलत जवाब भी तुम बड़ी कॉन्फिडेंस से देते हो ध्यान दीजिए बेटा रिड्यूस करने के लिए मुझे कम से कम एक जगह ऐसी चाहिए रिड्यूस करने के लिए मुझे बेटा कम से कम एक जगह ऐसी चाहिए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप वाली फ्री फंक्शनल ग्रुप अगर आप इस शुगर को ध्यान देंगे तो यार इधर तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बिजी है बॉन्ड बना रहा है देखो कार्बन नंबर वन क्या बना रही है बॉन्ड बना रही है तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा ये वाला एंड तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा दिस इज गोइंग टू बी नॉन रिड्यूसिंग एंड ये तो नॉन रिड्यूसिंग एंड है ठीक है नॉन रिड्यूसिंग एंड अगर आप ये वाला एंड देखेंगे तो बेटा इसका तो कार्बन नंबर वन फ्री है यहाँ पे आप ऐसे पूरा आप करके बना लोगे कार्बन नंबर वन इसका तो फ्री है सो दैट मीन्स ये वाला एंड जो हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग एंड ठीक है तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली बेटा जो एल है वो नॉन रिड्यूसिंग है आर जो है रिड्यूसिंग है तो जब आप कंपाउंड को डालेंगे बेनेडिक्ट बेनेडिक्स्यूशन में तो राइट हैंड साइड वाला एंड तो कलर चेंज कर ही देगा तो मोल्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ये ऑल इन ऑल किसका एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग का ही एग्जाम्पल है नॉन रिड्यूसिंग का नहीं है तो करेक्ट आंसर वॉज रिड्यूसिंग ठीक चलिए अगला करते हैं और भी बहुत सारी डाई हैं जैसे वन ऑफ द इज सुक्रोज ठीक है एक कौन सा डाइसेकराइड है बेटा आपके पास सुक्रोज सुक्रोज बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ठीक है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं सुक्रोज बनाते हैं अब इसमें जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है अल्फा वन मतलब ग्लूकोज का अल्फा शुगर साथ ही में बेटा बीटा टू बीटा टू ग्लूकोज का अल्फा वन बॉन्ड बना रहा है फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से अब ग्लूकोज के पास फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप फ्रक्टोज के पास सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है किटोन ग्रुप अगर ग्लूकोज का एल फ्रक्टोज के कीटोन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो क्या ये रिड्यूसिंग हुई या नॉन रिड्यूसिंग हुई बताइए बेटा क्या ये रिड्यूसिंग हुई या नॉन रिड्यूसिंग हुई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एल्फा वन पे एल्डिहाइड है बीटा टू पे क्या है कीटोन है इज इट गोइंग टू बी इज इट गोइंग टू बी बेटा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग देखो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है आपस में बिजी है सो दिस शुगर इज गोइंग टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट कि सुक्रोज कैसी शुगर है बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो हर डाई को रिड्यूसिंग नहीं कर देना कि मैम आपने तो बताया था मोल्टोज रिड्यूसिंग है वैसे सुक्रोज भी चल रिड्यूसिंग नहीं बेटा ऐसा नहीं करना यू हैव टू थिंक कि इसमें कौन कौन बॉन्ड बना रहे हैं क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप फ्री है या फिर नहीं है इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ठीक है राइट right. इसी सुक्रोज को क्या बोलते हो तुम टेबल शुगर भी बोलते हो राइट नेक्स्ट करते हैं अपनी मिल्क शुगर मिल्क शुगर इज कॉल्ड एज लैक्टोज अगली शुगर बेटा आपकी आती है लैक्टोज लैक्टोज बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हां जी कौन कौन जुड़ता है इट कंसिस्ट ऑफ बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो ये हो जाएगी रिड्यूसिंग दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग क्योंकि एक एल ग्रुप फ्री होगा दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग ठीक है ये कैसे हो जाएगी रिड्यूसिंग शुगर यस तो ये बात हो गई आपकी की से के बाद आ जाता है आपका सेकराइड ट्राई के बाद क्या आ जाता है आपका पॉलीसेकेराइड ओके okay, गाइस ट्राई के बाद क्या आ जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड हां जी बिल्कुल सही है दिस इज मिल्क शुगर दिस इज टेबल शुगर सुक्रोज क्या है आपकी टेबल शुगर दिस इज गोइंग टू बी मिल्क शुगर दूध तो पीते ही है सब है ना यस चलिए नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ट्राई सेकराइट ट्राई सेक्राइट ठीक है ट्राई सेक्राइट बिट अ ऑफ थ्री मोनोसेकर इसमें क्या होंगे थ्री मोनोसेकर आपस में जुड़ते हैं बाया कंडेंसेशन कंडेंसेशन यानी कि लॉस ऑफ वॉटर मोलिक्यूल्स ठीक है एग्जाम्पल ऑफ द ट्राई सेकराइड इज गोइंग टू बी रैफिनोज क्या एग्जाम्पल है बेटा रैफिनोज किस किस-किस के जुड़ने से बनती है तीन मोनोसेकर पहला होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज ट इज गोइंग टू बी राफिनोज एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये क्या है नॉन रिड्यूसिंग यानी कि आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे पॉलीमराइजेशन होती जा रही है पहले मोनोसेकेराइड था रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड कुछ रिड्यूसिंग कुछ नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसेकेराइड तो बिल्कुल ही नॉन रिड्यूसिंग तो जैसे जैसे बेटा आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे है ना mono से डाई से ट्राई ट्राई पॉली तो वो क्या होता जाएगा नॉन रिड्यूसिंग ही होता जाएगा क्या होता जाएगा बेटा जी नॉन रिड्यूसिंग होता जाएगा यस yes? हाँ जी चलिए आगे चलते हैं बेटा मूविंग ऑन टू हायर ऑलिगोसे अब कुछ हायर ऑलिगोसेकराइड्स जिनको आप नाइन से ज्यादा अगर शुगर हो जाए उन्हें आप क्या बोलते हो पॉली सेक्राइड्स पॉली सेकराइड ठीक है पॉलीसेकर अभी जो पॉली सेक्राइड है पॉली का क्या मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मैनी मेनी शुगर मोलिक्यूल बहुत सारे शुगर मोलिक्यूल है सौ दो सौ हजार एक लाख कितने भी हो सकते हैं कंड ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड ठीक है ये yes? सो so, मुझे सोच के बताइए कि ये जो पॉलीसेकराइड है ये किस पुल में आएगा एसिड सोलिबल में आएगा या एसिड इनसॉल्यूबल में आएगा बताइए बताइए ये किसके अंदर आएगा विल इट कम अंडर एसिड सोलिबल और एसिड इन सोलिबल पुल एसिड सोलिबल और एसिड इनसोलिबल पूल यस हां जी यस yes. हां जी पॉलीसेकेराइड है ना मेनी शुगर है सो दिस इज गोइंग टू कम अंडर एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन एसिड इन सोलबल फ्रैक्शन यानी कि रिटेंटेट फ्रैक्शन है ना फिल्ट्रेट नहीं है ये किसमें आएगा रिटेंटेट में ही आएगा ठीक कंडेंसेशन क्योंकि हो रही बहुत सारे मोनोसेकेराइड की तो क्या हम पॉलीसेकेराइड को बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर है ना ये एक तरीके का क्या है पॉलीमर है जो कि रिपीटिंग यूनिट से बनता है ठीक है अब दो तरीके का हो सकता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स आइदर इटकुडी इट कुड भी बेटा जी होमोपोलीसेराइट होमोपोलीसेराइट और इटकुडी हेटेरोपोलीसेराइड हेटेरोपोलीसेराइड है ना दो तरीके के हो सकते हैं पॉली में रह तो मोपोलीसेड का मतलब है अगर एक ही रिपीटिंग यूनिट हो जैसे कि ग्लूकोज 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 सौ बार ग्लूकोज ही जुड़ा हुआ है तो वो होमो है होमो यानी कि सेम हाइड्रो यानी कि अलग अलग एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज एक गैलेक्टोज फिर एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज एक गैलेक्टोज इसका अगर पॉलीमोर बन रहा है ठीक है सो होमो इज द वन इन विच द रिपीटिंग यूनिट रिपीटिंग यूनिट इज सेम इसमें क्या है रिपीटिंग यूनिट सेम है यहां पर रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती जाएंगी डिफरेंट होती जाएंगी एग्जाम्पल देख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ द होमोपोलीसेराइड लाइक स्टार्च लाइक सेल्यूलोस हेयर द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी पेक्टिन पेप्टीडो ठीक है पेप्टीडो ग्लाइकन हाइलिक एसिड ये सब क्या है पॉलीसेकेराइड अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो है लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं रहता कभी सोचे ग्लूकोज हमेशा किसकी फॉर्म में रहता है इट स्टेज इन द फॉर्म ऑफ यस इट स्टेज इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन अगर प्लांट है तो स्टार्च अगर एनिमल है तो ग्लाइकोजन ऐसा क्यों किया वाई वी स्टोर शुगर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर हम पॉलीमर की फॉर्म में क्यों स्टोर करते हैं ऐसे कर लेते हैं ग्लूकोज को ग्लूकोज ही रहने देते क्या कोई रीजन है इसका कैन यू थिंक ऑफ समथिंग यस हाँ जी कैन यू थिंक ऑफ समथिंग कि वाई स्टोरेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस पॉलीमर्स ओनली स्टोरेज कभी भी मोनोमर की फॉर्म में नहीं होती है स्टोरेज कभी भी डायमर की फॉर्म में नहीं होती है क्योंकि बेटा ये जो पॉलीमर्स है ना दीज पॉलीमर्स दे आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव दे आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव ठीक है They are also chemically non reactive, chemically non reactive. So, they are chemically non reactive and osmotically inactive. दैट इज वाई बेटा जी जो हम स्टोरेज करते हैं वो इसी फॉर्म में करते हैं ठीक है ऑलवेज चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है स्टोर वो एक पॉलीमर के फॉर्म में ही करेगा एंड ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है टू थाउजेंड एंड एट के प्रलिम्स में आप चाहे पेपर उठाकर देख लेना कि स्टोरेज किसकी फॉर्म में होती है पॉलीमर क्यों होती है बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन ऑसमोटिकली इनएक्टिव एंड केमिकली नॉन रिएक्टिव ठीक है हाँ यस yes. सॉलिबल मैंने कहाँ लिखा है बता दो ओम है समझ नहीं आया इनसॉलिबल कैसे Insoluble है इनसॉलिबल लिखा है चलिए आगे आ जाइए मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ पॉलिसेकरइड्स टाइप्स ऑफ पॉलीसेकर एक हमने देख लिया था होमो और हेट्रो अब डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन कि इनका फंक्शन क्या है फंक्शन पे डिवाइड करें तो यार कुछ का फंक्शन है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ये सब बनाना कुछ का फंक्शन है स्टोरेज में काम करना और कुछ ऐसे लेसी सा बड़ा स्लाइमी सा सब्सटेंस बनाते हैं सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन सम आर कॉल्ड लैस स्टोरेज पॉलीसेकराइड्स कुछ क्या है स्टोरेज जो कि स्टोर करने में हेल्प करते हैं एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स ठीक है कुछ का काम है बेटा स्ट्रक्चर बनाना सेल वॉल वगैरह बनाना जिसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका सेल्यूलोज सेल्यूलोज काइटिन हो गया पेप्टिडोग्लाइकन हो गया हेमी सेल्यूलोज हो गया पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टीडो ग्लाइकन ठीक है एंड कुछ का काम है बेटा वो म्यूसिलेज सा सब्सटेंस देना दैट इज म्यूसिलेज ठीक है एग्जाम्पल हे और इज गोइंग टू बी दे आर स्लाइमी इन नेचर ठीक है स्लाइमी वाले ये yes. हां जी वन बाई वन कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड का आज हम स्ट्रक्चर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदार्च किससे स्टार्ट करेंगे बेटा जी स्टार्च से हाँ जी लेटस स्टार्ट विद स्टार्च स्टार्च कौन है इज इट अ होमो पॉलीसेकराइड और हेट्रो चलो यार आंसर दो बड़ा तुमने रिलैक्स कर लिया बताइए बताइए इज is इज a होमोपोलीसेराइड और hetero? पीछे लिखवाया हुआ है। बड़ा यार तुम्हारा हाई हाँ बाय चल रहा है हाई हाँ बाय चल रहा है करते रहो करते रहो तुम थॉर को हाय बोलो वो आयरन मैन को बाय हाँ बोलेगा वो आगे मार्वल का दूसरा कैरेक्टर एक स्पाइडर मैन आ जाएगा एक बैटमैन आ जाएगा एक मिस्टर कुछ होते हैं वो भी आ जाएंगे सारे कैरेक्टर क्यों नहीं आ जाते हैं यहाँ पर हैं? सारे कैरेक्टर क्यों ले ओ? है ना इट इज एन पल ऑफ होमोपोलीसेराइड तो जो बच्चों ने हेटरो बोला है पहले तो वो अपनी सीट पे खड़े हो जाए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमो सिंगल ग्लूकोज यूनिट बेटा इसका मोनोमर की तरह काम करता है तो इसका मोनोमर कौन है द मोनोमर ऑफ स्टार्च इज अ ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज बेटा जी एल्फा ग्लूकोज तो क्या बेटा मैं स्टार्च को बोल सकती हूँ स्टार्च इज अ टाइप ऑफ ग्लूकैन ठीक है जैसे होता है ना ग्लूकोन डी तो ग्लूक एन का मतलब होता है लास्ट में दैट इट इज अ पॉलीमर किसका ग्लूकोज का ठीक है तो अल्फ़ा ग्लूकोज का पॉलीमर है ये जो एल्फा ग्लूकोज है दो तरीके से अरेंज होते हैं सो वन फॉर्म ऑफ स्टार्च इज कॉल्ड एज अमाइलोज हाँ जी पहली फॉर्म आज हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज अमाइलोज और दूसरी फॉर्म बेटा है इसकी अमाइलो पैक्टिनो पैक्टेन सो इट अकर्स इन टू अमाइलोज़, अदर वन इज कॉल्डो पैक्टेन ठीक है हाँ जी तो अमाइलोज की अगर बात करें तो इसके अंदर होती हैं 200 हंड्रेड टू थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट्स 200 हंड्रेड टू थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट्स दे आर अरेन्ज इन स्ट्रेट चेन किस फॉर्म में अरेंज है दे आर अरेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन यानि कि इस तरीके से ग्लूकोज प्रेजेंट होगा है लुक ये देखिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देन ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड इधर दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल देन ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड इधर आपका तीसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ठीक है देन इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग चलती जाएगी सो इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर क्या कोई ब्रांचिंग है नहीं बेटा जी कोई ब्रांचिंग नहीं है नो no ब्रांचिंग नो no ब्रांचिंग तो इसमें बॉन्ड कौन से टाइप का हो जाएगा बॉन्ड का नाम बताइए बॉन्ड अगर आप ध्यान देंगे तो बॉन्ड हो रहा है कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के बीच में सो इट इज एल्फा ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड ठीक है यही बॉन्ड है ना एल्फा वन फोर ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड ठीक है यस yes, यही बॉन्ड है अगर मैं देखूँ एक्चुअली में किस फॉर्म में अरेंज करता है बेटा ये जो अमाइलोज है ना इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स ऐसे बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट होगा लाइक दिस सो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर तभी कभी भी अगर आप इसको आयोडीन से टेस्ट करो तो यार जो आयोडीन है ना द आयोडीन इट गेट्स ट्रैप्ड अंदर फंस जाती है ठीक है ये हेलिसिस के अंदर आयोडीन गेट्स ट्रैप्ड एंड इट गिव्स पर्पलिश ब्लैकिश कलर विद आयोडीन ठीक है ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर थ आयोडीन ठीक है याद रखेंगे ये सब चीज़ें मैंने किसके बारे में बात की है अमाइलोज के बारे में अमाइलोज में 200 हंड्रेड टू थाउजेंड ग्लूकोज स्ट्रेट चेन पॉलीमर एंड इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन ठीक है है ना यस yes. आगे आते हैं बेटा अमाइलो पे पर अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमर है लेकिन कितने अल्फा ग्लूकोज हैं इसमें होंगे अराउंड टू 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 लाख ग्लूकोज यूनिट्स एंड इट इज नॉट स्ट्रेट चेन इट इज एक्चुअली ब्रांच पॉलीमर अब कैसा दिखता है जरा देख लो हांजी ये पहले स्ट्रेट तो बनाना ही पड़ेगा तभी ब्रांचिंग दिखाओगे है ना तो दिस इज एल्फा वन फोर बॉन्डिंग नाउ वी विल ड्रॉ एल्फा वन सिक्स बॉन्डिंग

कार्बन नंबर वन ऑफ द अबव शुगर तो दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे इन दिस यू विल सी टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग वन इज कॉल्ड एज अल्फा फोर बॉन्डिंग ठीक है अदर वन इज कॉल्ड एज अल्फा सिक्स बॉन्डिंग ठीक है सो देयर आर दिस टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वन इज अल्फा 14 वन इज अल्फा 16 बॉन्ड्स अच्छा अब इसको भी हम आयोडीन से ट्रीट कर सकते हैं ये आयोडीन के साथ अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें अमाइलोपेक्टिन गिव रेडिश वायलेट कलर विद आयोडीन ब्लू ब्लैक की जगह कौन सा देता है इट गिव्स रेडिश वायलेट कलर विद आयोडीन इज दिस क्लियर Is this clear? लेकिन अगर इकट्ठा स्टार्च लिया जाए इफ वी टॉक अबाउट द होल स्टार्च तो बेटा दिस कलर डोमिनेट ये जो ब्लू ब्लैक है, तो 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 है? है ना ये डोमिनेट कर जाता है तो टोटल का तो ब्लू ब्लैक ही आता है बट अगर सेपरेटली देखिए अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का इट विल गिव ब्लू ब्लैक वाइल इट विल गिव रेडिश वाइलेट कलर विद आयोडीन ठीक है ना चलिए आ जाते हैं बेटा स्टार्च स्टार्च क्या है स्टार्च स्टोरेज यूनिट इन केस ऑफ प्लांट्स प्लांट्स में जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होती है स्टार्च की फॉर्म में होती है, वो तो हम लिख सकते है स्टार्च क्या था? एक रिजर्व फूड था किसमें प्लांट्स में इन प्लांट्स किससे बना ग्लूकोज से बना कौन बनाता है कहां पर बनता है ये स्टार्च हाँ जी सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोर्ड इन बताइए तुम लोग बताओ सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोर्ड इन मैं लिख देती हूँ तब तक सोच लेना तुम सिंथिसाइज कहां पर इन क्लोरोप्लास्ट लेकिन स्टोरेज कहाँ पर होती है प्लांट्स में बिल्कुल बेसिक बॉटनी यस स्टोरेज विल अकर इन विच प्लास्ट स्टोरेज विल अकर इन विलच विच प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में स्टोर कर स्टोर कर दें हैं स्टोर कहां पर करें हाँ जी बताइए बताइए स्टोरेज विल अकर इन द ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट इट्स अ स्टोरेज प्लास्टेट ठीक है ये yes. तो ये बात हो गई आपके स्टार्च की आगे बात करते हैं बेटा इन केस ऑफ इन केस ऑफ बेटा एनिमल्स एनिमल्स में स्टोरेज किस फॉर्म में होती है ग्लाइकोजन नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्लूकैन ये भी क्या है बेटा ग्लूकैन है ग्लूकैन है किससे बनता है बेटा ये भी बनता है एल्फा ग्लूकोज से एल्फा ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट बिल्कुल सिंपल है बेटा आगे वाले सारे बिल्कुल सेम ठीक है ये जो ग्लाइकोजन है बेटा ये भी एक ब्रांच पॉलीमर है इट इज ऑल्सो ब्रांच और ब्रांचिंग बेटा सिमिलर तरीके से होगी वन वुड बी अल्फा वन फोर ब्रांचिंग वन फोर बॉन्डिंग एंड अदर वन बी अल्फा वन सिक्स बॉन्डिंग दो तरीके के बॉन्ड हो जाएंगे ब्रांचिंग में अल्फा वन फोर एंड अल्फा वन सिक्स बिल्कुल की तरह दिखता है इट लुक्स लाइक दैट ऑफ अमाइलो प्रेक्टिन एंड नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स दे आर गोइंग टू बी अराउंड थर्टी थाउजेंड बस यही अंतर है अमाइलोपेक्टिन में कितने ग्लूकोज थे अमाइलोपेक्टिन हैड अराउंड टू लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वाइल इन केस ऑफ ग्लाइकोजन देर आर ओनली थर्टी थाउजेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यस क्लियर हाँ जी बेटा अगर आपने नहीं पढ़ना होता तो आप बता दिया करो मुझे आराम से बता दिया करो कोई टेंशन ही नहीं है हैं? कोई टेंशन ही नहीं होती है कि मैम आज मत पढ़ाइए आज हम हमें नींद आ रही है आज ये हो रहा है आज ये हो रहा है यस yes? यस यस कम ऑन बता दिए अगर मैम आज हमें नींद आ रही है जब पेपर होगा ना पेपर का टाइम भी बेटा दो से पाँच है तब भी वहाँ इन्विजीलेटर को बोल देना मैम आज तो नींद आ रही है आज नहीं हो पाएगा कल ले लेना ऐसे बोल देना मैम अभी तो तीन बज रहे हैं तीन बजे तो मेरा बिल्कुल सी का टाइम होता है आई स्लीप एट दिस टाइम आई फील वेरी लेथार्जिक एट दिस टाइम एंड यू नो यू कैन गो फॉर इट बता दो पे इन्वेजीलेटर को भी बता देना ठीक है कल को तुम्हारे पास कोई पेशेंट आए तीन बजे चार बजे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है बोल दो ना ये तो मेरा सोने का टाइम है आई एम ए डॉक्टर आई कैन नॉट स्टे अवेक एट दिस टाइम आप अपना इलाज खुद करिए कैन वी डू दिस कैन वी से दिस हैं राइट कर सकते हैं तो बेटा कर लीजिए बोल के देख लीजिए ना करके देख लेना ठीक है अगर आपके लिए टाइमिंग जितना ही प्रॉब्लमैटिक है तो बेटा फिर आप तो नीट दे ही नहीं सकते यू कैनॉट बिकम अ डॉक्टर बिकॉज नीट का एग्जाम तो इसी टाइम होता है मैंने तो यही सोच के इस टाइम रखा है नींद सबको आती है तुम्हें आती है मुझे भी आती है ठीक है बट आई वॉन्ट कि आप इस टाइम पर एक्टिव रहें आई वॉन्ट कि आप इस टाइम पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आउटपुट ले पाए अपने ब्रेन से अगर नहीं ले पा रहे हो तो बेटा छोड़ दो ये ड्रीम और रीजन क्या दोगे मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम पसंद नहीं है पेपर का नहीं तो मैं कर लेता पेपर सुबह दस बजे होता ग्यारह बजे होता तो मैं कर लेता दो से पाँच पेपर रखते हैं इसीलिए मैं नहीं कर सकता हूँ ठीक है बोल देना बेटा राइट और अभी से बोल दो अपने आप को चलिए आगे आ जाइए। ऑन टू ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन बेटा ब्रांड पॉलीमर है जिसमें और होगी। ज़्यादा की तरह दिखता तो है लेकिन अमाइलोपेक्टिन है बनेगा कहां पर इट विल बी फॉर्मड इन द लिवर ठीक है अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें हमारी बॉडी में फॉर्मड इन लिवर लेकिन बेटा स्टोरेज कहां पर होती है स्टोरेज दो जगह हो सकती है लीवर में भी हो सकती है प्लस मसल्स में भी ठीक है ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च इसको क्या बोला जाता है एनिमल का स्टार्च भी बोला जाता बोल सकते हैं जो काम स्टार्च का प्लांट्स में है वही काम ह्यूमंस में किसका है एनिमल्स में कौन करता है ग्लाइकोजन कर सकता है सो दिस इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च अगला करते हैं बेटा नेक्स्ट वन नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड इज गोइंग टू बी इन्यूलिन इनयलिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस पर सवाल यूजली आ जाता है inulin एक ग्लूकैन नहीं है इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रक्टैन क्या है बेटा जी फ्रक्टोज़ का पॉलीमर है ग्लूकोज का नहीं है ग्लूकोज का होता तो हम बोलते ग्लूकैन लेकिन ये क्या है फ्रक्टैन ठीक है कितने फ्रक्टोज जुड़ते हैं थर्टी टू थर्टी फाइव फ्रक्टोज यूनिट्स थर्टी टू थर्टी फाइव फ्रक्टोज यूनिट्स एक्चुअली ज्वाइन टू फॉर्म दिस इनिन ठीक है थर्टी टू थर्टी फाइव अब क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है इज नो नो ब्रांचिंग ब्रांचिंग यानी कि ये क्या है एक स्ट्रेट चेन है भाई तुम बोलोगे कि इन्युल मैंने तो कभी सुना ही नहीं हमने तो ग्लाइकोजन स्टार्च काइटिन ये सब सुना है इनुलन कहा पाया जाता है बेटा इन इज अ रिजर्व फूड इन मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ सनफ्लावर ठीक है इट्स अ रिजर्व फूड मटेरियल इनुलिन क्या है रिजर्व फूड मटेरियल है किसमें इन द मेंबर्स ऑफ सम फ़ैमिलीज़ ऑफ सनफ्लावर सनफ्लावर फैमिली ठीक है अब इनुलिन पे क्वेश्चन कहाँ से आता है

कि इसको यूज किया जाता है किसके लिए इट इज यूज टू स्टडी यूज टू स्टडी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक है क्योंकि अगर आपकी किडनीज़ ठीक है तो वो इसको बेटा फिल्टर करके बाहर निकाल देंगी अगर गड़बड़ आई अगर गड़बड़ आई तो बेटा समझ जाना दैट किडनी की फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही है और इन एज इट इज इसीलिए निकलता है बिकॉज इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय बॉडी बिकॉज इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय बॉडी ठीक है यस yes? दिस इज द पावर दिस इज द पावर ऑफ द कि हम इसको टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं कि किडनी ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही ठीक चलिए आगे आते हैं बेटा इन्युल हो गया अगला करते हैं हमेशा यही पेज आ जाता है यार बारी बारी मेधावी टेस्ट का पेज आ रहा है क्या आपने मेधावी टेस्ट में एनरोल करा है कि नहीं करा एट्थ अक्टूबर को जो टेस्ट होने वाला है. है ना एनरोल्ड और नॉट लिंक ऑन द टेलीग्राम टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ यू हैव टू एनरोल इन मेधावी है ना फुलेबस टेस्ट है चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बेटा छोटे छोटे बस नाम लिखने रह गए खत्म हो चुका है वैसे तो सेल्यूलोज सेल्यूलोज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अबंड पॉलीसेकेराइट इट इज द मोस्ट अबंड पॉलीसेराइट ठीक है सबसे ज़्यादा बॉडी में क्या पाया मोस्ट अबंडेंट पॉलीसक राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं एंड इट इज ऑल्सो ग्लूकैन सेल्यूलोज इज अ ग्लूकैन इट इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेकिन कौन सा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज ये चीज़ याद रखना अभी तक जितने किए हैं वो सब अल्फा के पॉलीमर थे ये किसका है बीटा का पॉलीमर है और कितने अराउंड सिक्स थाउजेंड रेजिट्यूज सिक्स थाउजेंड रेजिटिव लिंकेज इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बीटा वन फोर लिंकेज बीटा वन फोर ग्लाइकोसेडिक लिंकेज कोई ब्रांचिंग नहीं है ब्रांचिंग इज़ एबसेंट नो ब्रांचिंग ठीक है बेटा जी नो ब्रांचिंग यस हाँ जी चले बहुत बढ़िया सेलुलोज डन सेलुलोज बेटा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेलुलोज इज़ यूज टू फॉर्म कॉटन फाइबर आप जानते हैं कॉटन के अंदर 90 परसेंट क्या होता है सेलुलोज होता है देन सेलुलोज के कुछ डेरीवेटिव लाइक सेलुलोज नाइट्रेट यूज इन मेकिंग एक्सप्लोसिव सो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ सेलुलोज ठीक है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कपड़ा भी इससे बनता है रेन भी इससे बनती है सिल्क का भी एक हिस्सा इससे बनता है एंड साथ ही में इट इज ऑल्सो यूज टू मेक एक्सप्लोसिव्स ठीक हां जी चलिए अगले वाले पे आते हैं दैट इज गोइंग टू बी काइटेन नेक्स्ट वन इज काइटन काइटिन तो सुना हुआ है काइटिन इज अ होमोपोलीसेराइड होमोपोलीफ ऑफ ऑफ बेटा नाग है ना किसका होमोपोलीसेराइड है नाग वॉट इज नाग दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ठीक है याद रखना है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ठीक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को बारी 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 जोड़ते जाओगे क्या बन जाएगा काइटिन बन जाएगा एंड इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर हैविंग बीटा वन फोर लिंकेज बीटा वन फोर लिंकेज ठीक है कैसा पॉलीमर है स्ट्रेट चेन पॉलीमर है स्ट्रेट चेन यानी कि इट इज सिंपल है कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे इट इज गोइंग टू बी एन अनब्रांच पॉलीमर बीटा वन फोर लिंकेज फंक्शन काइटिन का फंक्शन क्या है बेटा काइटिन इज एक्चुअली यूज टू फॉर्म एक्सोस्केलेटन इट फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोर्ट्स है ना ऑर्थ्रोपोर्ट प्लस बेटा फंगल सेल वॉल फंगल सेल वॉल भी किससे बनी होती है आपकी काइटिन से ही बनी होती है राइट फंगल सेल वॉल भी किससे बनी होती है काइटिन से ही बनी होती है सो एक्सोस्केलेटन ऑफ द ऑर्थोपोड एज वेल एज फंगल सेल वॉल ठीक है एंड सेलुलोज के बाद इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड आफ्टर सेलुलोज ठीक है बेटा जी चलिए आगे आते हैं सो काइटिन डन इसके बाद बेटा बचता है आपके पास पैक्टिन हेमी जस्ट मैं लिख देती हूँ आता नहीं है ये सब ठीक है लेट अस राइट अबाउट पैक्टिन पैक्टिन एक हेटे है सेक्राइड है किस किस से बना हुआ है पेक्टिन कहाँ मिलता है हैं? वेयर इज पेक्टिन फाउंड कम ऑन गाइस टेल मी कहाँ मिलता है पेक्टिन बताइए साथ साथ में कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर स्टे हाइड्रेटेड यस फॉलो कर दो यार नेहा प्लीज फॉलो कर दो बिल्कुल कहाँ थी तुम मैं भी जानना चाहती हूँ अब तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है? Yes no? है, है, है हां जी कहाँ मिलता है कॉम्पोनेंट ऑफ द मिडल लैमेला ऑफ द सेल वॉल यस और नो सेल वॉल की मिडल लैमेला का कॉम्पोनेंट है पेक्टिन है ना प्रेजेंट इन द मिडल लैमेला मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल ठीक है हाँ जी पेक्टिन किस किस से बनता है पेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अराबिनोज हाइड्रोपोलीमर है तो एक से ज्यादा चीजें होंगी गैलेक्टोज गैलेक्टोज प्लस गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड ठीक है तो ये बात हो जाएगी आपकी पेक्टिन की किसकी बात हो जाएगी बेटा जी ये पेक्टिन की, ठीक है आगे चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट कैटेगरी एंड द लास्ट कैटेगरी इज गोइंग टू बी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स म्यूकोपोलीसेकराइड देखिए भिंडी किस किस ने काटी है जरा बताइए अपनी मम्मी के साथ बैठकर भिंडी किस किस ने काटी है गर्मियाँ आती हैं भिंडी अरबी भी आती है बड़ी अच्छी लगती है सब्जी एंड आप मम्मी आपको बिठाती होगी चलो मैं साइडों से काटती हूँ तुम इसके पीसेस करो किसने भिंडी काटी है हाँ जी बताइए किस किस ने काटी है हैज हेल्प देअर पेरेंट्स मदर्स इन चॉपिंग भिंडी इज अ सब्जी है ना करिए इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट आई ऑल्सो रियली लाइक भिंडी मुझे भी बड़ी पसंद है है ना अगर आपने भिंडी काटी है तो आपने देखा होगा कि यार भिंडी जब काटते हैं उसके बाद हाथों में ऐसे बहुत ही लेसी लेसी सा हो जाता है यस समथिंग स्लाइमी है ना समथिंग स्लाइमी तो वो स्लाइमी नेचर किस वजह से आ रहा है बिकॉज ऑफ म्यूकोपोलीसेराइड दीज आर म्यूसीजिस ये क्या है डीज आर म्यूसिलेजेस ठीक है दे आर हाईली स्लाइमी ठीक है स्लाइमी सारे के सारे याद रखना जितने भी म्यूसीजेस हैं ऑल ऑफ देम दे आर हेटेरोपोलीसेराइट होमो नहीं है कोई भी हेटेरोपोली सेक्राइट ऑल ऑफ देम दे आर हेटेरोपोलीसेराइट सारे के सारे ठीक है दूसरी चीज बेटा कई बार इसमें सल्फेट ग्रुप अटैच भी होता है सो so दे इनका नेचर क्या है बड़ा ही स्लाइमी नेचर हो जाएगा बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है प्लांट की सेल वॉल में होता है एनिमल्स की मेम्रेन में होता है ठीक तो एग्जाम्पल कर लेते हैं म्यूकोपोलीसेराइट की वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी अगर अगर ठीक है अगर अगर इज अ म्यूकोपोलीसेराइड विच यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड एल्गी दैट इज जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया ग्रासिलेरिया ठीक है एंड आप इस अगर को कहाँ पर यूज करते हो यू यूज इट इन कल्चर मीडियम लैब में जब काम करोगे ना एट दैट टाइम यू विल यूज कल्चर मीडिया जब हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे होते हैं लैब में एंड एट दैट टाइम कल्चर मीडिया बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं अगर को यूज़ करते हैं ठीक है अगर को यूज़ करते हैं यस ऑल्सो यूज इन आइसक्रीम्स आइसक्रीम्स कॉस्मेटिक्स आपने देखा होगा कि यार आइसक्रीम कितनी स्मूथ सी है कॉस्मेटिक यहां पर लगाते हैं कितना स्मूथ सा नेचर होता है ऐसे बिल्कुल जेल की तरह फैल जाएगा वो किस वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अगर बिकॉज ऑफ दिस म्यूकोपोलीसेराइड ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द मूकोपोली से एग्जाम्पल हांस गोल क्या करता है इसब गोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड हास्क ऑफ प्लांटेगो ओवेटा This is extracted from the seed husk of Plantago काम क्या है जब पेट खराब होता है तो बेटा इसको यूज किया जाता है इस सब गोल क्योंकि ये पानी से क्या करता है बाइंड करता है सो इट फंक्शन एज अटिव ठीक है लैग्जेटिव और परगेटिव पेट जब खराब होता है तब हम इस सब गोल यूज करते हैं ठीक है बेटा जी और बेटा बहुत सारे एनिमल पॉलीसेक्राइट म्यूकोपोलीसेकराइड हैं एनिमल म्यूकोपोलीसेकर एनिमल म्यूकोपोलीसेकराइड्स ठीक है यस लाइक कैराटिन सल्फेट कार्टिलेज में होता है कैरेटिन सल्फेट स्किन में होगा आईज में होगा सो दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन योर स्किन योर आईज़ कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट ट किस में होगा इट इज गोइंग टू प्रेजेंट इन द मैट्रिक्सलेज कार्टिलेज मैट्रिक्स कार्टिलेज मैट्रिक्स हाई ल्यूरोनिक एसेड हाई ल्यूरोनिक एसिड ये भी क्या है एक तरीके का म्यूको पॉलिसेकर सो ये तीन हो गए आपके एनिमल म्यूको पॉलिसेकराइड एन अदर वन इज है हेपरिन भी क्या है म्यूको पॉलीसेक्राइड है सो विद दिस बेटा वी आर डन विद द पॉली सेक्राइड सारे पॉलीसेकराइड्स और डाई सेक्राइड्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं सो so, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो आज हमने क्या क्या ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा वॉट वी डिड टूडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड द टेस्ट कि हाउ टू टेस्ट मोनोसेकराइड्स विद द फेलिंग्स रियोजेंट और बेनेडिक्स रियोजेंट देन वी ऑल्सो डिस्क अबाउट कि ऑलिगोसेकराइड कैसे बनते हैं कौन सा बॉन्ड है बॉन्ड का नाम होता है बेटा जी ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड कौन सा नाम होता है अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ तो पता चल जाएगा तुम्हें कितना समझ आया देन ऑलिगोसेकराइड में हमने सबसे पहले डायसेकर बनाए क्या बनाए डायसेकराइड्स लाइक मोल्टोज फिर हमने देखा कि वो रिड्यूसिंग है कि नहीं है देन वी ऑल्सो फॉर्म सुक्रोज हमने लैक्टोज भी देखा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ट्राइसेकराइड्स एंड पोलीसेकेराइड्स ट्राइसेकराइड में एक एग्जाम्पल लर्न करना है दैट इज राफिनोज पोलियम बेटा पता होना चाहिए कौन होमो है कौन हेट्रो है किसका फंक्शन स्टोरेज है स्ट्रक्चर है या फिर म्यूसिलेजनस नेचर प्रोवाइड करना है देन हमने डिस्कस किया अबाउट स्टार्च स्टार्च की टाइप्स ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इनिन काल्यूलोज एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द म्यूको यस yes, ये सारे नोट्स बेटा मैंने स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ किया बायो मॉलिक्यूल्स को चूज़ किया कि मैं ये आपको खुद हाथ से लिख के बताऊँगी क्योंकि लिखा हुआ ना बुक में हर बुक में यही है लेकिन समझ नहीं आता है। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ आता सो दीज नोट्स दे आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम टेलीग्राम पे यू कैन यू नो रीच आउट टू मी सी पाउजा बायोलॉजी के नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा एंड वहां पर ही सारे नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं ठीक है सो एनिमल पॉलीसक के बारे में ही पता चल गया तो क्या आप एक दो क्वेश्चन पूछ लू आपसे हां जी क्या एक दो क्वेश्चन पूछ लें चलिए सब बच्चे आंसर दीजिए काइटिन क्या है इस काइटिन अ और काइटेन इज अमोपोलीमर कम ऑन गाइज बताइए काइटेन क्या है यस yes. हेट्रोपॉलीमर और होमोपोलीमर यस yes. जी वाह 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 इतना पढ़ाने के बाद भी ये बच्चे मुझे लग रहे है वही हैं जो खड़े थे है ना इज इट अड्रोपोलिमर और अ होमोपोलीमर बताइए इज एन ऑफ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेटा जी हां जी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस पे जाऊं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलिमर क्योंकि एक ही तो रिपीटिंग यूनिट है रिपीटिंग यूनिट का नाम पूछ ले तो क्या करोगे फिर तुम है फिर तुम क्या करोगे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा वो तो पूछेंगे कि एग्जोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड इज अ होमोपोलीमर और हेट्रोपोलिमर पहले तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा हु इज एग्जोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड क्या है वो दैट इज काइटिन अब काइटिन क्या है इज इट अ होमोपोलीमर और हेट्रो इट इज अ होमोपोलीमर किसका ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन दैट इज नाग किसका है हैट्रोपोलीमर बेटा होमोपोलीमर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अच्छा टेल मी द टाइप ऑफ लिंकेज इन सेल्यूलोज tell me the type of linkage in cellulose yes bataiye bataiye linkage ka naam batana hai type of linkage in cellulose बेटा session अच्छा लगता है ना तो लाइक भी करते हैं एक बटन लगा हुआ है यहाँ पर लाइक का हाँ लाइक भी किया करो साथ साथ भूल जाते हो तुम लोग आते हो पढ़ते हो निकल लेते हो है ना ये अल्फा वाले बच्चे भी अपनी अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं क्योंकि मैंने आपको लिंकेजेस सिखाई थी सेल्यूलोज में कैसी लिंकेज है बीटा वन फोर लिंकेज है अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूंगी तो ग्लाइकोजन हैज्फा वन फोर इफ आई विल टॉक अबाउट स्टार्च ज गॉट एल्फा वन सिक्स ठीक है इफ आई विल टॉक अबाउट लैक्टोस इट हैज गॉट बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मोल्टोज भी देख लो मोल्टोज तो हमने बनाया ही था दैट इज एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो ये सारी लिंकेजेस आपको याद रखनी है यस यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल लिंकेजेस ठीक है रहेंगी नो सेल्यूलोस ग्लाइकोजन स्टार्ज आइसोमल एंड मोल्टोज ठीक तो मैंने आपके सामने एक यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रख दिया है अब आप कल का स्केड्यूल सुन लीजिए सब बच्चे। हाँ जी Tomorrow, बेटा, सेशन एट थ्री पी एम जिसमें हम एनिमल टिश्यूज़ की सब बच्चे सुन लो कि कल क्या होगा एनिमल टिश्यूज़ की एन सी ई आर टी रीडिंग करेंगे वो बच गया था तो वो आपका कल होगा जैसा कि मैंने बताया था थर्सडे को होगा इससे अगले दिन बेटा नेक्स्ट डे लाइक टुबारो इज सेवेंथ तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेवेंथ तो आपको स्केड्यूल पता होना चाहिए एट्थ को बेटा क्या होगा आप एक सेशन देखेंगे जिसमें मैं कराऊंगी आपको अमाइनो एसिड्स

तो ये दोनों चीजें हम कब करेंगे ट्यूसडे तब तक बीच में आप क्या करेंगे बीच में आप करेंगे रिवाइज करेंगे जो ड्रॉपर बच्चे हैं ड्रॉपर बच्चों को मैं होमवर्क देके जा रही हूं कि प्लीज अपनी बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर दे रही हूँ बेटा सारे ड्रॉपर्स को ट्वेल्थ क्लास वाले छोड़ सकते हैं क्योंकि शायद उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है बाकी जिसने बायोटेक पढ़ ली है वो बायोटेक रिवाइज करेंगे इन दिनों में है ना क्योंकि अगली बेटा प्रोटीन्स हम करेंगे ट्यूजडे को ऑल दो कल और परसों मिलने वाले हैं लेकिन फिर भी, भी आपके बीच में दो दिन का गैप आएगा सैटरडे संडे तो सैटरडे संडे मंडे की छुट्टी में वॉट यू विल डू बायोटेक्नोलॉजी एंड यू विल कंप्लीट बॉडी फ्लूड्स क्योंकि इनका मैं टेस्ट लूंगी आते ही यू आर गोइंग टू रिवाइज एनिमल टिश्यूज आज तो बेटा आपका टेस्ट नहीं हो पाया आई वॉज नॉट दैट वेल ठीक है बट आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से ही तो ट्यूसडे बेटा बायोटेक बॉडी फ्लूड्स एनिमल टिश्यू और जितना बायोमोलिक्यूल्स होगा क्या इतना रिवाइज कर लेंगे बता दीजिए क्या बेटा इतना रिवाइज कर लेंगे बायोटेक रिवाइज करनी है बॉडी फ्लूड्स करना है और एनिमल टिश्यू करना है क्योंकि आते ही ट्यूजडे को इसका टेस्ट होगा दिन दिए जा रहे हैं सफिशेंट दिन दिए जा रहे हैं फिर मत क्या ना बताया नहीं था यस ओके यस yes, टीचर है ना बेटा हां जी बेटा आज टेस्ट नहीं लिया था तभी तो मैंने अगले वीक पे दयाल दिया एनिमल टिश्यूज भी अगले वीक ही होगा बॉडी फ्लुइड्स का भी अगले वीक होगा बायोटेक का भी अगले वीक होगा बायोटेक दोनों किधर होगा स्पेशल क्लास पे टेस्ट होगा यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगी टेस्ट आपके होंगे स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास कहां होती है स्पेशल क्लास बेटा जी यहां होती है कभी देखा है ये पेज देखा है ये वाला येस दिस इज़ माई प्रोफाइल लिंक दिस इज़ माई प्रोफाइल लिंक ऑन अन अकेडमी की ऐप अन अकेडमी की ऐप पर जाओ या अन अकेडमी डॉट कॉम पर जाओ ये मेरा प्रोफाइल लिंक है यहाँ पर आपकी सारी स्पेशल क्लासेज होती हैं और आँखें भी होंगी कहाँ मिलेगा ये प्रोफाइल लिंक ये प्रोफाइल लिंक दिया हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए मेरी प्रोफाइल को खोलिए और बेटा फटाफट से इसको फिफ्टी के कराओ फोर्टी के पर रुका हुआ है ना फॉलो करो ठीक है मैम को फॉलो करो और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर इट इज अबाउट वेदर यू विल गेट नोटिफिकेशन और नॉट नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी अगर आप यहाँ पर फॉलो करते हैं तो ठीक है हाँ पी डी एफ क्यों दू साथ साथ काम नहीं किया था साथ साथ काम नहीं करोगे तो बेटा ऐसे ही मांगते हुए नजर आओगे प्लीज मेरी क्लास में साथ साथ आप पी बनाया कीजिए एक और टेस्ट है मीन ऑन एट्स ऑफ अक्टूबर गाइस एट्थ ऑफ अक्टूबर आपका टेस्ट है मेधावी टेस्ट देखो अन अकेडमी अपना पहला टेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पहला टेस्ट लेकर आया है स्पेशली मेधावी से हम स्टार्ट कर रहे हैं सो so, टेस्ट है बेटा एट्थ ऑफ अक्टूबर को दो से तीन बजे इस टेस्ट का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था मैं आज दोबारा शेयर कर दूंगी रात में प्लीज़ इसमें एनरोल कर लीजिए सिलेबस इज़ फुल सिलेबस एंड एक बात मैं बता दूँ नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलने वाला है क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सो गेट सेट रेडी फॉर द मेधावी टेस्ट ऑन एथ ऑफ अक्टूबर टू टू थ्री पी फुल सिलेबस ठीक है यह yeah, बेटा आपको पता ही है साथ ही में माय बैच इज गोइंग ऑन है ना माय बैच इज गोइंग ऑन ऑन प्लस एंड आइकॉनिक प्लस और आइकॉनिक पे बेटा बैच चल रहा है बैच का नाम भी क्या है मेधावी बैच इस मेधावी बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं बाई यूजिंग लाइफ ठीक है मैंने क्यों बोला कि यार इस बैच में एनरोल करो यूट्यूब पे भी तो मेधावी चल रहा है बेटा यूट्यूब पे इट इज़ जस्ट वन वे आप बहुत सारे बच्चों के डाउट्स नहीं हो पाते प्रॉपर आपको टाइप्ड पी नहीं मिल पाती डी नहीं मिल पाती वन टू तो वन डाउट क्लियरेंस तो दूर मतलब डाउट क्लियरेंस यूट्यूब पर नहीं हो सकती है ठीक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लस का प्लेटफॉर्म या फिर आइकॉनिक का प्लेटफॉर्म विद मी बाई यूजिंग दिस कोर्ड क्योंकि बहुत सारे बैचेज आ रहे हैं जो आप इस कोड से अवेल कर सकते हैं लाइक रैंकर्स बैच टाइटन्स बैच मेधावी बैच जैसे कि मैंने आपको बताया कोड आपके लिए सेम रहेगा दैट इज़ सीप लाइफ ठीक है बेनीफिट्स क्या हैं लाइव क्लासेस तरीके से कोर्स चलता है बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं आप किसी बच्चे से पूछ लो यू you नो know, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है यू कैन आस्क फ्राम एनी स्टूडेंट हुव एनरोल्ड यूजिंग सीप लाइफ एंड वॉट बेनिफिट्स एंड वॉट क्वालिटी कॉन्टेंट दे आर गेटिंग एंड एक बात और ये कोड यूज़ करने से बेटा सिर्फ मेरा सेशन नहीं दिखता सारे मेधावी के टीचर्स और जितने भी और बैचेज हैं रैंकर्स हैं जो भी है मतलब सारे टीचर्स के आप सेशंस देख पाएंगे एंड यस यू विल बिकम पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप द अन अकेडमी एलिट ग्रुप अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एक नंबर दिया हुआ है आप यहाँ लोन के लिए कॉल कर सकते हैं एंड आइकॉनिक में भी बेटा जहां पर आपको वन टू वन मेंटोरशिप है तो अगर आप मैम की मेंटोरशिप चाहते हैं गाइडेंस चाहते हैं तो बेटा दिस इज़ द कोर्स फॉर यू ठीक मेरा नाम है आगे लगा देना है लाइव क्योंकि यहां पर आपको बुक्स मिलती हैं मेंटोरशिप मिलती है वन टू वन लाइव डाउट क्लियरेंस भी मिलती है आप क्लास में बेटा हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं मेरे से कुछ भी वी कैन टॉक का वी कैन टॉक ऑन ऑडियो ठीक है देख तो आप सकते हैं वीडियो तो है ही है तो ऑडियो भी आ गया बीच में राइट right? सो so, देर आर कॉम्बिनेशन ऑल्सो अगर आप सी बी एस सी के साथ परस्यू कर रहे हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं सी बी एस सी के तो सी बी एस सी के साथ कॉम्बिनेशन है सी बी एस सी के साथ नीट का कॉम्बिनेशन है सी बी एस ई प्लस आइकॉनिक अगर आप यूपी बोर्ड से कर रहे हैं तो बेटा उसका भी कॉम्बिनेशन है एच एस सी के साथ भी है एंड इफ़ यू आर अ मैथ स्टूडेंट इफ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट दैट देर इज अ कॉम्बिनेशन विद आई टी जेई वेल तो मैथ्स वालों को भी कोई टेंशन नहीं है मैथ्स और नीट दोनों की तैयारी होगी इन दिस कॉम्बिनेशन प्लेटफॉर्म येस और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे एक तो बेटा सीप्लाइट से आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा दूसरी चीज यू कैन ऑल्सो गेट मोर स्कॉलरशिप बाय अपियरिंग इन कॉम्बैट कॉम्बैट बेटा हर संडे होता है एवरी संडे इस संडे भी है 11 बजे होता है एवरी संडे इलेवन ए एम दिस टेस्ट टेक्स प्लेस 60 मिनट का टेस्ट है 28 क्वेश्चन के आंसर देने हैं एंड अगर टॉप थ्री में आते हैं तो 100 परसेंट स्कॉलरशिप देख रहे हो और उसके बाद 75 फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट तो इतना ह्यूज ऑफ हो जाएगा इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में कोड आपके सामने है कोड आप लगा दीजिएगा सीप लाइफ फ्री टेस्ट है वैसे तो बट कोड पूछेंगे आपसे ठीक है तो कोड आप लगा सकते हैं सीप्लाई अलग अलग टेस्ट होता है बेटा इलेवंथ के लिए अलग ट्वेल्थ के लिए अलग थर्टींथ के लिए अलग किसी टाइम पे जब ये कॉम्बैट पहली बार आया था तब पीपल हैव हाँ वॉन इवन मैकबुक Yes, the होते थे तो जिन्होंने वो कॉम्बैट को सीरियसली लिया था आज उन बच्चों के पास मैकबुक है कुछ के पास आई पैड है आई फोन है सो दे हैव वॉन्ट मेनी प्राइजेस यू कैन ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप प्राइज़ स्कॉलरशिप से अच्छा प्राइज़ क्या हो सकता है आपकी अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी बाई अपियरिंग इन दिस कॉम्बैट ठीक है कोड आपके सामने है ठीक है तो सब्सक्रिप्शन के लिए भी और कॉम्बैट के लिए भी दिस इज द कोड फॉर यू थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर फॉर मेकिंग नोट्स एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग सेशन अच्छा लगा हुआ तो डेफिनेटली लाइक करिए शेयर करिए इसको कमेंट जरूर करना क्योंकि कमेंट्स मैं खुद से पढ़ती हूँ आई पर्सनली रीड ऑल द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू नाउ टुम विद एनसीआर रीडिंग देन डे आफ्टर टुमारो विद अमाइनो एसिड एंड देन वी विल मीट ऑन ट्यूजडे ट्यूजडे विद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आई होप वी आर क्लियर विद द स्केड्यूल ऑफ द वीकेंड एंड आई हैव गिवन यू होमवर्क वर्क ऑल्सो ठीक है चलिए ओके गाइज बाय बाय टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड डोंट स्पेंड इट आइडली डू सम वर्क एंड अपना बैकलॉग क्लियर कीजिए ठीक बाय बाय